अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। और आज हमारा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लंच टाइम से ही। आज हमारा लंच टाइम है और हम खा रहे हैं दाल चावल। दाल चावल ये देखिए, ये दाल चावल है और इसके साथ मैंने लिए सैलड थोड़ी सी। इसके साथ हम इंजॉय करेंगे पापड़ी। पापड़ी, और कौन कौन लोग पापड़ी खाते हैं दाल चावल के साथ? दाल चावल के साथ मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, हम मेमन नहीं है। हमने एक जगह पे खाई थी पापड़ी, मेम ने ये दाल चावल खाए थे, उसके ऊपर उन्होंने पापड़ी सैलड वगैरह डाल के दी थी, तो उसके बाद से हमें थोड़ा अच्छा लगने लग गया। तो अब कभी होती है घर में तो हम लोग खा लेते हैं। वैसे ये है नहीं, मैंने कल बहुत सारी पापड़ियाँ मैंने बनाई थी और कुछ मुझे 6 से 7 घंटे लग गए इस वीडियो को शूट करने में। और ये बहुत मज़ेदार पापड़ी थी। तकरीबन 4 वीडियोस मैंने बनाई हैं पापड़ी की। 4 वीडियो नहीं, एक ही वीडियो में 4 रेसिपीज मिल रही हैं आप लोगों को। और बहुत मेहनत से बनाई है वीडियो और बहुत मज़े की पापड़ी थी। और अगर शायद ये अपलोड हो चुकी हो, हाँ हो चुकी होगी जब ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, जब ये आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, तो शायद मैं आज ही अपलोड कर दूँगी इस वीडियो को और ये व्लॉग बाद में आएगा इसके बाद। तो क्या कहते हैं, हम लोग इसको एंजॉय करेंगे अपने लंच के साथ। सोचा आप अभी से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि कल का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा। और कल मैं अपना कर रही थी, ऑर्डर वर्क था, मेरा एक ऑर्डर था मैनी थीम केक का। तो मेरे पास कमेंट आए थे कि पहले जब मैंने अपना ऑर्डर शेयर किया था, सबने कहा कि आप इस तरह से अपनी जो वर्क है हमारे साथ शेयर किया करें। तो मैंने सोचा ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ये वाला वर्क भी अपना। अर्जेंट ऑर्डर था, और लेकिन ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं ऑर्डर तैयार करने में, क्योंकि पहले केक तैयार होता है, फिर फोंडेंट है। फोंडेंट वैसे मैं रेडीमेड यूज़ करती हूँ, अपने हाथ का बना हुआ भी यूज़ करती हूँ कभी कभार, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि फोंडेंट बनाने में, चीज़ें बनाने में, उसके एलिमेंट्स, उसके टॉपर्स बनाने में, जो टॉपर्स होते हैं उसको बनाने में टाइम लगता है। और वो हमारी बनाती हैं जोया, क्योंकि मैं केक बना लेती हूँ उसको, फिर मैं आइस वगैरह करके रख देती हूँ, फोंडेंट दोनों मिल बैठ के बहुत, तो हम दोनों मिलके कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं आराम बनाने में। तो मैंने कोशिश की है थोड़ी सी कुछ उसकी मेकिंग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी हम थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी मैं खाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करते रहते हैं। बाय द वे, जो हमने पापड़ी खाने का जो हमें इतना शौक आ गया है दाल चावल के साथ स्पेशली, तो यादगार फिश पे हम जाते थे तो वहाँ पे दाल चावल के साथ पापड़ी सर्व होती है। पापड़ी सर्व होती है, वो पूरा चूरा करके पड़ा उसके साथ एंजॉय किया था। तब से ना थोड़ी आदत हो गई है, दाल चावल के साथ हम पापड़ी जरूर लेते हैं समटाइम्स, हर बार भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसको एंजॉय करते हैं। तो हम अपना खाना एंजॉय करते हैं, एंजॉय पापड़ी भी करते रहेंगे। यम्मी, मुझे ये बताइए कि अच्छा, मैं खा रही हूँ पचमेल दाल, तो किस किस के घर में पचमेल दाल बनती है? क्योंकि कॉलेज टाइम में हम अगर कभी जिक्र करते थे अपने घर के खानों का, तो बहुत सारे घरों में ये पचमेल दाल का नाम भी नहीं पता होता लोगों को। तो बेसिकली 5 टाइप की दाल होती है, उसको मिला के बनाते हैं। और ये 5 टाइप की दाल होती है, इम्तियाज़ से पूरा पैकेट मिलता है पचमेल दाल का, तो आसानी हो जाती है। मैं तो अपनी पापड़ी के साथ दाल चावल इन्जॉय कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी रेसिपी का लिंक ऐड कर दूँगी, तो इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत यम्मी पापड़ी है, और इसको आप दाल चावल के साथ या दही बड़े बनाएं उसके साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं। मतलब पापड़ी चाट बनती है, इसके अलावा चना चाट जो होती है उसके ऊपर भी आप पापड़ी डाल के खाते हैं, दही चना चाट के साथ बहुत अच्छी लगती है। मेरी फर्स्ट बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज इसको तकरीबन 3रा दिन है, 3 दिन पहले मैंने ही बनाई थी वीडियो। और मैंने रात को 10 बजे बनानी स्टार्ट करी थी, मुझे सुबह के 4 बज गए थे। सॉरी, मेरी जबान स्लिप होती रहती है, पता है आप लोग आदत डाल लें। मुझे रात को 10 बजे बनाना स्टार्ट करी थी, और हम बहुत थक गए थे इस वीडियो में, क्योंकि मैंने एक साथ बनाई थी, ऐसा नहीं एक एक दिन करके बनाई, एक ही दिन पर पूरी ये 4 वीडियो बना ली थी। और इसकी वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी काम की वीडियो है के हिसाब से। अच्छा, मैं एक और बार कहना चाह रही थी, कुछ लोग क्या कहते हैं, आके जो भी लोग मेरा ऑर्डर वर्क देखते हैं, वो आके मुझसे कमेंट करके, मतलब मेरे चैनल पे ही कमेंट करके पूछ रहे होते हैं कि इसके प्राइस बता दें, कितने पाउंड का था, क्या फ्लेवर था। तो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरे बिज़नेस पेज पर जाएँ,
वहाँ जाके पूछें अगर आप ऑर्डर देना चाहते हैं. इसके अलावा भी आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आके आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगी. मैं यहाँ पे अपने रेट्स वगैरह डिस्कस नहीं कर सकती, वहाँ पे भी हम पेज पे किसी को नहीं रिप्लाई करते हैं, मतलब पब्लिकली रिप्लाई नहीं करते हैं. इनबॉक्स में आपको जाके बता दिया जाता है जो भी रेट्स वगैरह होते हैं या रेट्स की जो भी बार्गेनिंग होती है, डिस्कशन होते हैं, बात कर सकते हैं मेरे पेज पे जाके, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल बता दी जाती है जो भी होते हैं, जो भी केक्स के रेट्स वगैरह होते हैं. थोड़ा देर से रिप्लाई आता है लेकिन आ ज़रूर जाता है रिप्लाई, उस पर हम रिस्पॉन्स कर देते हैं जल्दी. ठीक है, बस ये छोटी सी बात थी जो आप लोगों से करनी थी. तो और कभी मैं अगर लेट रिप्लाई करूँ तो प्लीज़ रूड मत हो जाइएगा, कि ये नहीं समझिएगा आप नहीं सॉरी ये नहीं समझिएगा मैं रूड हो रही हूँ, क्योंकि मैं मसरूफ़ होती हूँ इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ. लेकिन मैं जो लोग मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता ही है कि मैं सबको सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके सवालों के जवाब भी देती हूँ. जैसे होता है कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे सवाल ही नहीं समझ में आता तो मैं उनको छोड़ देती हूँ, या बहुत अटपटे से सवाल होते हैं उन्हें भी मैं छोड़ देती हूँ, उनका मैं रिप्लाई नहीं करती. जिस पे कोई सेंस ही नहीं बनता है तो मैं उनका रिप्लाई नहीं करती. बाकी जितने भी कोई सेंसिबल सवाल होते हैं तो पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कि ये सेंसिबल सवाल है, या कुछ चलाकी वाले सवाल होते हैं जैसे एक ही क्वेश्चन में आप मैं आपको पूरा अपना मेथड नहीं समझा सकती कि मैंने ऑर्डर वर्क अपना किया है तो उसके अंदर मैंने कितनी ग्राम फ्रॉस्टिंग ऐड करी थी मैंने, और कितने अंडों की ज़रूरत थी, और मैदे का रेशो क्या था. तो उसके लिए इतनी सारी रेसिपीज़ मैंने बनाई हुई हैं, आप लोग वहाँ से आइडियाज़ दे सकते हैं. मैं इस वे में आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ. अक्सर इतने अजीब से सवाल आते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही कमेंट में या मैं एक ही जवाब में उनको पूरी रेसिपी और बिज़नेस करने का तरीका और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों मेरे पास से. चलाक लोग. हाँ, आराम आराम से मिलेगी ना. मैं एक ही मतलब 10 मिनट में आपको अपना पूरा 12-15 साल का एक्सपीरियंस नहीं सिखा सकती हूँ. मुझे एक अरसा हो गया, बचपन से ही मैं बेकिंग कर रही हूँ. तो मेरे 15 साल बेकिंग करने के बाद, मतलब छोटी उम्र से कर रही हूँ बेकिंग, और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करता है इंसान. ये नहीं होता कि आज अगर आपने मेरा कोई चीज़ देखी तो आप मेरे लेवल का बना सकते हैं. जो लोग बनाते आ रहे हैं वो लोग बना लेते हैं, वो मुझसे अच्छा भी बनाते होंगे, बेशक बनाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. मिस्टेक्स होती रहती हैं, आप लोग अपने मिस्टेक्स से सीखा करें. आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है और ये लेक्चर हो गया. तो चलिए मैं अपना खाना ख़त्म करती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे खाना ख़त्म करने के बाद. फिनिश कर रहे हैं, आप लोग ऑर्डर वर्क की वीडियो एंजॉय करें. तो यहाँ पे जोया कलर मिक्स कर रही है फोंडेंट के अंदर, और कलर मेरे पास ग्रीन नहीं था तो जोया ने ब्लू और येलो कलर मिक्स करके ग्रीन कलर बना लिया था जो हमें टोन चाहिए था. तो ये देखिए इसको बस मिक्स कर रहे हैं हम, पहले से मिक्स करके रख देते हैं ताकि काम करने में थोड़ा आसान हो जाए. और यहाँ पर मैं आइस कर रही थी केक को, और ये बटर क्रीम हैगी, फज नहीं है, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग है. ये भी बहुत मज़ेदार बनती है. बटर आइसिंग मैं सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं इसकी रेसिपी. तो बस इसको लेवल कर रहे हैं. फोंडेंट केक के लिए ज़रूरी होता है केक को लेवल करना, और वो अच्छे से लेवल हुआ हुआ होना चाहिए. तो बस मैं लास्ट में इसको स्मूथ कर रही हूँ अच्छी तरीके से. उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी सेट करने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए इसकी जो आइसिंग है. जब केक ठंडा हो गया तो इसके ऊपर मैंने फोंडेंट लगा दिया. फोंडेंट लगाने के बाद इसको भी हम स्मूथ कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि चारों तरफ से अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर और इसका शेप बहुत अच्छा हो जाए. तो इसका शेप हम इस तरह से स्मूदर की मदद से इसको अच्छे से हम शेप दे लेते हैं, कि कहीं से जो हमारा फोंडेंट है वो ऐसा तो नहीं कि स्टिक ना हुआ हो. और ये प्यारे से टॉपर्स जोया ने बनाए थे, और बहुत खूबसूरत टॉपर्स बनाए थे. इसमें आप ढोल देखिए, और ये कुशन्स हैं, गौतकिया है, लड्डू की ये क्या कहते हैं छोटी सी क्या है प्लेट है. तो इस तरह से जोया ने बना लिए थे. टॉपर्स हमेशा जोया ही तैयार करके दे देती है मुझे, और उसके हाथ में काफ़ी सफाई है. मैं भी हेल्प कराती हूँ जोया की टॉपर्स बनाने में. और केक पे फिर मैंने इस तरह से लेस लगा दी थी, और इस पे हमने गोल्डन डस्ट कलर कर दिया था. तो ये मेहंदी थीम केक था, बहुत खूबसूरत लगा ये बनने के बाद भी.
तो ये देखिए अभी बस इस पे डिटेलिंग हो रही है इस केक के ऊपर, क्योंकि केक बनने के बाद भी 2-3 घंटे लगते हैं, इस पे डिटेलिंग होती रहती है, काम होता रहता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी हैं इसके ऊपर, बस वो लास्ट की डिटेलिंग चल रही थी, इसके बाद हम इसको पैक करेंगे। और ये ऑर्डर भी हम खुद ही डिलीवर करने के लिए गए थे, तो मैंने इस पे नाम लिख दिया था। और बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें रह जाती हैं लास्ट में, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में इसको, और इसको रेडी करने में और सेफली पहुंचाने में। ये भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है कि आप सेफली, एक तो इतनी मेहनत से केक तैयार करते हैं और सेफली उसको आप अपने कस्टमर तक पहुँचा सकें। क्योंकि मैं राइडर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ, अगर आप लोगों ने कोई इस तरह का सेफ एक्सपीरियंस किया हो जो लोग कराची में रहते हैं, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिससे हम सेफली अपना ये ऑर्डर जो है हम डिलीवर कर सकें, करवा सकें। और ये इसकी कुछ फाइनल पिक्चर्स ले रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे ज़रा लाइट थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ड्राइंग रूम में रख के भी थोड़ी सी इसकी क्लिप्स ले लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत केक बना था, ये देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और फिर इसको हमने पैक कर दिया था, पैक करने के बाद हम फिर इसको ले गए थे, इसको डिलीवर कर दिया था टाइम पे। अल्लाह का शुक्र है टाइम पे डिलीवर हो गया था। तो हम लोगों ने कर लिया है अपना खाना फिनिश। और तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ऑर्डर वर्क कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें, साथ साथ इसको शेयर भी ज़रूर किया करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।